जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। क्या? कौन से अस्पताल में? जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। तुम कौन हो? मैं शाजमा हूं। उस्मान ने मेरा जिक्र तो किया होगा, पता भी है कौन वो? नहीं, पता लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। अंदाज से लग रहा था कि बहुत करीब है उस्मान। मुझे लगता है मेरे मासूम बच्चे को फांस लिया उस औरत ने। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अल्लाह का शुक्र है, रिदा का मसला खुश अखलाकी से हल हो गया। हम सब कितने परेशान थे। अल्लाह सबकी बेटियों को अपने अपने घरों में शाद व आबाद रखे। पता नहीं कितने और दिन रह पाएगी वहां पे। कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे वो इस हाल में वापस आए। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है वो किस अजियत से गुजरी है। अम्मी, अव्वल तो उसको वहां जाना नहीं चाहिए था, और वो लोग बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उनके साथ किसी भी किस्म का रिश्ता रखा जाए। जब एक दफा रिश्ता जुड़ जाता है तो उसे निभाना ही होता है। रुखसाना और रिदा के चेहरे पे इत्मीनान वापस आ गया है, और हमें आगे की भी यही उम्मीद रखनी चाहिए। सादिया बेटा, खाने में कितनी देर है? अम्मी आ गई, बस हो गया सब कुछ। आपकी पसंद की चिकन और भिंडी बनाई है आज। मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। कैसे भूख नहीं है? दोपहर में भी ठीक से नहीं खाया था। इसे क्या हुआ? माँ की याद आ रही होगी, बहुत बड़ा सदमा टूटा है इस पर। जाओ बेटा, इसके साथ जाके बैठो। मैं देखती हूँ। चलो शुरू करो, आते ही होगा। क्यों आई हो यहाँ? कह दिया ना एक दफा भूख नहीं है। आप परेशान लग रही हैं मुझे। जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वो परेशान होने के लिए काफी नहीं है क्या? या तुम चाहती हो कि मेरे साथ कोई और हादसा हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ हो। आपको दिल से अपनी बहन माना है। आप डिस्टर्ब नजर आई इसलिए आपसे पूछ लिया। सजा बन गई है मेरी जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी में तो कभी कोई आजमाइश ही नहीं आई। तुम्हारे पास माँ है, भाई है, मोहब्बत करने वाला एक हमदर्द है। तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। जाओ यहां से। बन गई है मेरी जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी में तो कभी कोई आजमाइश ही नहीं आई। तुम्हारे पास माँ है, भाई है, मोहब्बत करने वाला एक हमदर्द है। तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। काश अम्मी ने मेरी दूसरी शादी करवाने का फैसला ना किया होता। आज मासूमा बाजी इस कर्म में मुब्तला ना होती। क्या हो गया? सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने मासूमा बाजी की हस्ती बस्ती दुनिया उजाड़ दी।
मेरी वजह से खाला इस दुनिया से चली गई। परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। मैंने कहा एक दो रोज और ठहर जाओ, बेटा ठीक हो गया, घर आ जाएगा तो उदासी दूर कर लेना अपनी। तुम्हें पता है ना अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, अस्पताल आने जाने में और खराब हो जाती तो फिर। सही कह रहे। क्या सोचा बेटा तुमने? किस बारे में? भाई तुम्हारी बीवी के बारे में, जिसे तुम्हारी कोई परवाही नहीं है, सारी जिम्मेदारियों से जान छुड़ा के महकमे जाके बैठ गई। ये क्या सोचेगा आपा? फैसला तो हमने लेना है ना। देखें, उसने हम पे इल्जाम लगाए, अपनी कारस्तानियों से मुकर गए और हमें गुनाहगार ठहरा दिया। ठीक कहती है बेटा, मामूली बात तो है नहीं, लेकिन हमें बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा, माफ करना होगा उसे। वैसे अब्बा, माफ करना थोड़ा मुश्किल होगा ना। मैं जानता हूँ अपने दुश्मन को माफ करना इतना आसान नहीं होता बेटा, लेकिन घर की इज्जत भी तो है, उसके लिए कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, माफ करना होगा उसे। ठीक है अब्बा, आप कहते हैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। शाबाश मेरा बेटा, अच्छी दे रहा हूँ। देख रहे हो उस्मान, सुन रहे हो अपनी बहन की बातें? आप लोग चाहें आप प्लीज, थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ अब्बा, हमें चलना चाहिए, गुड्डू भी परेशान हो रहा होगा ना। चलो हाँ, वो तुम्हारे घर आने से पहले तुम्हारी बीवी को बुला लेंगे हम। नहीं, इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। देखो उस्मान, अभी उसका आना घर पे जरूरी है, तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें उसकी जरूरत है। ओ, समझे। क्या समझे? कुछ नहीं, आप लोग प्लीज जाएं यहां से। हम चलते हैं। चलें अब्बा, अपना ख्याल रखो। हाँ जल्दी आऊंगी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। यकीनन आप सादिया से मिलने आए होंगे। बड़ी ज़हीन हैं आप, आपको तो पता लग गया था। वो तो मैं हूँ, लेकिन आपको मायूसी होगी ये सुन के कि इस वक्त वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? आप कहाँ गई हैं वो? मुझे क्या पता, वो मुझे बता के थोड़ी जाती है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। क्या ये रिश्ता तय करते वक्त आप लोगों ने सादिया की राय ली थी? मेरा मतलब है यकीनन आप लोगों ने राय तो ली होगी, लेकिन उस वक्त वो बेबस थी, मजबूर थी, उसको जिंदगी बहुत बोझिल लगती होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है और अपनी मर्जी से जीना चाहती है। मैं आपकी बात समझा नहीं। ये बात का मतलब बहुत साफ है, लेकिन इससे मजीद मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं अकेली बेसहारा लड़की हूँ और इन्हीं के दर पे बैठी हूँ।
अगर इनको पता चल गया कि मैंने आपको सच्चाई बता दी है तो ना जाने क्या होगा। आप प्लीज किसी को कुछ नहीं बताइएगा। मैं आपको अंदर जरूर बुलाती लेकिन इस वक्त मैं घर पे अकेली हूँ तो नहीं। मैं चलता हूँ। बजी थी कौन है? वो बच्चे की बॉल आ गई थी घर। क्यों? तुम क्या समझी? मुझे लगा अम्मी मार्केट गई है ना तो वो आई होगी। सच ही बोल रही होगी तुम? वैसे तुमसे एक बात पूछूं। मैंने सुना है कि पहली मोहब्बत भुला के भी नहीं भुलाई जा सकती। तुम्हें अपना शौहर तो बहुत याद आता होगा, तुम्हारी पहली मोहब्बत, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला पहला आदमी। मैं गलत कह रही अब उस्मान कैसा है रुखसाना? अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खालदा तुम भी सोच रही होगी कि मैंने सादिया और अनीक की तरफ से बिल्कुल ही चुप साध ली है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ जितना ख्याल मुझे सादिया का है उतना तुम्हें भी है। अब मैं ऐसी कोई बात नहीं सोचती भाई। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि सादिया जल्द से जल्द इस घर में आ जाए, पर अनीक कहता है कि वो सादिया को कोई तंगी या परेशानी नहीं देना चाहता। जॉब की तरफ से परेशान है ना, तो बस इसीलिए हम लोग खामोश हैं। रुखसाना अल्लाह बेहतर करेगा, और जिस तरह भी तुम लोग मुनासिब समझो मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। अच्छा उस्मान का फोन आया था, वो खुद आएगा रिदा को लेने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है कि उस्मान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। बस अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली, आजकल मैं अपने घर चली जाएगी रिदा, मगर सादिया से मिलने आएगी। जरूर आए, उसका अपना ही घर है। अच्छा मैं चलती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज़। चलो बेटी खाओ। बस कर दे डाइटिंग, खा ले थोड़ा। अम्मा मैंने नहीं खाना, आप खाए ना। आइए आइए, काशवा कोई मिलने आया है। कौन है? अरे अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो उस्मान के ऑफिस में काम करती हो, और हॉस्पिटल में भी मेरी इससे मुलाकात हो चुकी है। अब्बा आओ बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? हम सिर्फ ऑफिस में काम नहीं करते, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बेटा बात यह है कि हमारे यहाँ लड़के लड़की की दोस्ती को खास पसंद नहीं किया जाता। ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस तक रखो, ये घर में आना तो इस तरह मायूब सी बात है। मैं तो बस आप लोगों से मिलने आई थी, मुझे लगता है आप लोगों को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। जी बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो भाई मर्जी उठाओ, ये लो लो ना खाओ। नहीं मैं बस चलती हूँ। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। कमाल है, तुम तो खाओ खत्म हो जाएंगे फिर। उस्मान ने माफी तो मांगी है, उनसे बात भी हो गई है। अभी सारी तैयारी करके आई हूँ, उस्मान कह रहे थे जैसे ही डिस्चार्ज होंगे ना
पहले मुझे यहाँ लेने आएंगे, फिर हम दोनों साथ घर चलेंगे। रीता तुम जा रही हो? चलो, सादिया को इत्मीनान हो गया होगा। इसे बड़ी फिक्र रहती है, कहती है कि मुस्तकिल नंद सर पे सवार ना हो जाए। इतनी नमाजें पढ़ती है, शायद इसी चीज की दुआ करती होगी। मासूमा आ रही हूँ। अब पता नहीं खालों को क्या काम है, आती हूँ मैं। पता नहीं मुझसे क्यों खफा रहती है ऐसे, पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। मेरा बता दिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे वजाहत पेश कर रही हो? क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? मैं चाहती हूँ तुम हमेशा इसी तरह मुझ पर एतबार करो और मेरी नीयत पे कभी शक नहीं करो। मैं कभी भी शक नहीं करूंगी। कुछ हुआ है ना सादिया? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं सादिया, मुझे पता चल रहा है, देखने में लग रहा है तुम्हें किसी ने कुछ कहा है ना, बताओ मुझे। अच्छे दोस्त ना खुदा की नेमत होते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। मुझे हमारी दोस्ती पर मान है और चाहती हूँ हमेशा इसी तरह से रहे। लेकिन जब दोस्तियाँ रिश्ते में बदलती है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। मुझे उस तसव्वुर से भी हौल आते हैं। सादिया कुछ भी हो जाए, रिदा सादिया के लिए कभी नहीं बदलेगी। मैं कभी नहीं बदलूंगी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ऐसी हूँ। मैं भी वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए? हाँ अम्मी, बस ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो सोचा आज कर आ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? ये मुंह क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? सब ठीक है बेटा। कोई बात तो है जो मुझसे छुपा रहे हो? बताओ क्यों परेशान हो? तुम्हें कसम है मेरी, बताओ क्या बात है? मैं आपको पता ही है ऑफिस के हालात कैसे चल रहे। डर लगा हुआ है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। बेटा क्यों परेशान, अल्लाह पाक है ना, सब बेहतर करेंगे, बहुत मेहरबान है वो। इसी डर से अम्मी मैंने अभी तक सादिया से शादी नहीं की। बेचारी इस घर में आएगी और ये जॉब चली गई तो खामखा परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। बेटा क्या हो गया तुम्हें, क्यों मायूसी वाली बातें कर रहे हो? तुम्हारी माँ की दुआएं हैं ना तुम्हारे साथ, और देखना एक दिन मेरा बच्चा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रिदा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? हाँ वो अस्पताल गई है उस्मान के लिए खाना लेकर। अकेली चली? मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, मैं भी देख लेता उस्मान को। मैंने भेजा था उसे बेटा, अच्छा है ना, अकेले में वक्त गुजारेगी तो गलत फहमियाँ दूर होंगी। अम्मी उस्मान और उस्मान की फैमिली ने आज के बाद रिदा को परेशान किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बेटा अब ऐसा नहीं होगा, और देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है उस्मान उसे खुश रखेगा। ऐसा ही होना चाहिए, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अच्छा जाओ ना, जाकर मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। शुक्र अल्लाह का इसे कुछ पता नहीं है कि उस्मान और रिदा के झगड़े की हकीकत क्या है, वरना न जाने क्या कर बैठता। कैसी तबीयत है अब? काफी बेहतर है, डॉक्टर ने कहा है कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो अच्छी खबर है। मैं भी इस बेड पर बैठे बैठे थक गया था। कल तुम घर चले जाओगे, फिर ऑफिस भी कुछ दिनों के बाद आओगे, मतलब जितना देख सकती हूँ
तो मैं आज ही देख लूं। क्या मतलब हुआ इस बात का? और तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती। क्यों? घर क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं गई थी तुम्हारे घर। मैंने सोचा तुम्हारे घर वाले फिक्रमंद होंगे, तो उनसे मिलकर उन्हें तसल्ली दे दूं। मगर मगर क्या? छोड़ो, जाने दो, तुम्हारा दिल खराब होगा। बताओ शाजमा, क्या हुआ? मुझे आज तक इतना जलील किसी ने नहीं किया। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैं वहां गई ही क्यों। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन दिल इतना भरा हुआ है कि ना चाहते हुए भी बोल दिया। I'm sorry। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो दोस्त? लगा करम। ओ मिस शाजमा, आप भी मौजूद हैं यहाँ? नहीं, मैं तो बस जा ही रही थी। तो जाएं, खुदा हाफिज़। ओके उस्मान, बाय। खुदा हाफिज़। और बताओ, तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है। क्या बोला डॉक्टर ने? कल डिस्चार्ज करते हैं। और बताओ, अब कैसा फील कर रहे हो? बस अपने चेहरे पे इतनी मजलूमियत कैसे तारी कर लेती हो? ऐसे ही तो नहीं अनीक जैसा स्मार्ट बंदा तुम्हारे पीछे पागल, जरूर उसके सामने भी ये मासूमियत और मजलूमियत का ढोंग रचाया होगा तुमने। समझ गई हूँ मैं तुम्हें। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। बस खालदा, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम किया उसने कि मेरी बच्ची अपने घर चली गई। हर ऊंचनी तो हर रिश्ते में होती है रुखसाना, बस अकलमंद वो होता है जो उनका सामना करते हुए किसी भी रिश्ते को टूटने से बचा दे। सही कह रही हो, बिल्कुल। मेरी बच्ची ने बड़ा सबर किया है, बस अल्लाह पाक अब उसे खुश आबाद रखे, कोई गम ना दे। अगर आपने उसका साथ ना दिया होता ना, तो ना जाने वो किस हाल में होती। हाँ ये तो है खालदा, एक माँ जब बेटी पैदा करती है ना, तो उसी दिन से उसकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं, और हर लम्हा हर वक्त उसे उसकी फिक्र लगी रहती है। हर हर दिन वो उसी के बारे में सोचती रहती है। बस अल्लाह हर बेटी के नसीब को अच्छा करे। आमीन आमीन। वरदा है किधर? वो नीचे तैयार हो रही है, उस्मान आएगा ना उसे लेने के लिए, कहो तो बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, उस्मान आता ही होगा, उसे तैयार होने दे। अरे अब आई हो तो मिलके चली जाओ, पता नहीं फिर वो कब आए। नहीं नहीं, आज उसे रहने दो, इतनी दिनों के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं। मैं अभी जाती हूँ, सादिया और सफीर को ये खुशखबरी दूं, फिर लौट के आती हूँ। सही, ठीक है। बेटा क्यों इतना परेशान हो रही हो? आ जाएगा वो। पता नहीं क्यों अम्मी, हर वक्त धड़का लगा रहता है कि फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बेटा अल्लाह पाक से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा।
इधर है मेरी बच्ची, इधर है, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, इधर मेरे पास बैठ। इधर बैठो, मेरी अच्छी वाली बेटी है तू। देखो बेटा, बेटा तुम्हारी माँ होने के नाते मैं तुम्हें जो भी बात समझाऊंगी तुम्हारी बेहतरी के लिए समझाऊंगी बेटा, मुझसे वादा करो। आइंदा घर छोड़ने में जल्दी नहीं करोगी, और गुजरी बातों को दोहरा कर तुम उस्मान से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी और परेशान नहीं करोगी। मुझे लगता है उस्मान आ गए। इंशाल्लाह पा, मेरी बच्ची को अपने घर में खुश आबाद रखना और हम पर करम करना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू मेरे साथ ऐसा कर सकती। आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने? मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मैं बर्बाद हूँ तुम्हारे दुश्मन? देखो प्लीज ऐसे मत बोल, मुझे दुख हो रहा है, मैं तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकता। दुख हो रहा है तुम्हें, बर्बाद होते नहीं देख सकते। तुम्हें दूसरी लड़की से मंगनी क्यों की? तुम तो मेरी अम्मी को जानती हो, उन्होंने अपनी जान लेने की धमकी दी थी मुझे, मैं डर गया, बस इसीलिए उनकी बात मानना पड़ी। वरना अगर सच कहूं तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। यकीनन बहुत पैसे वाली होगी। जाहिर है अब माँ का इंतखाब है, एक माँ अपने बेटे के लिए बुरा थोड़ी ना सोच सकती है। तो तुम भी पैसा देख के ही शादी कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। तुम कुछ नहीं सुनना मुझे बाजी, अब कभी कॉल नहीं करूंगी मैं तो, और एक आंसू नहीं बहाऊंगी उस इंसान के लिए जिसने इतना दुख दिया मुझे। तुम जज्बाती हो रही हो। आओ आओ बेटा आओ, आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। अरे ध्यान से बेटा, आराम से, आराम से बेटा, आराम से। कैसी आंटी आप? मेरी छोड़ो बेटा, अपनी बताओ कैसी तबीयत है? दर्द हो रहा है ना बहुत ज्यादा? जी काफी बेहतर है। बेटा जूस लेकर आओ ना। नहीं नहीं रिदा, नहीं आंटी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी हायर करके आया हूँ, रिदा को लेके बस निकलूंगा। मैं बस 2 मिनट में बैग लेके आ। बेटा वो तुमसे एक दरख्वास्त करनी थी। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आंटी आप, हुक्म करें। मेरी बेटी बहुत नादान है, ना समझ है बेटा, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो मेरी खातिर माफ कर दे। क्या कर रही हैं आप, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? मुझे अपने किए पे पछतावा है। मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। जीते रहो, सलामत रहो, सदा खुश और बात रहो बेटा। आंटी फिर आएंगे। उस्मान चले। हाँ चले आंटी, आराम से बेटा। बस अपने घर खुश खुश रहे। अल्लाह पाक तुम दोनों को खुश आबाद रखे। खुदा हाफिज। आ जाए आराम से, आराम से। सादिया एक कप चाय पिला दो यार, आज तो बहुत थक गया हूँ। बना देती हूँ, खाना भी दे दूँ अभी? नहीं बस चाय काफी है। कैसी हो मासूम? कैसी हो सकती हूँ, जैसी थी वैसी। अरे सफीर बेटा आ भी गए? काम लेते हैं। कपड़े तो बदल लेते। अम्मी बस चाय पी लूँ फिर चेंज करता हूँ। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ वो खैर से रदा अपने घर जा रही है, उस्मान उसे खुद लेने आया है। मैं रुखसाना की तरफ जा रही हूँ, मुबारकबाद तो बनती है। खाला मैं भी आपके साथ चलूं? चलो ना।
चलो बस दो मिनट में मैं अभी आती हूँ। बैठे ये काम कर। हाँ बहुत थक गया हूँ। चलो बेटा। वैसे सूलन तुम्हें साथ जाना चाहिए था। कल चली जाऊंगी। कब चाय बना दी? तुम चली तो गई हो रिदा, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। जरूरत क्या थी उसे यहां लाने की? अब्बा वो मेरी बीवी है, उसके बगैर कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, बहुत बीवी की हिमायत हो रही है भाई। वाह भाई वाह, भूल गए हो कि मुझ पे और काशफा पे कितना बड़ा इल्जाम लगाया था उसने। अब्बा मैं उसे लेकर आ गया हूँ, बेहतर यही होगा कि सारी पुरानी बातों को भूल जाए। जरूरत क्या थी लाने की? तुम्हारे काम के लिए मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया था हमने। क्यों भाई? ठीक है भाई, तुम ले ही आए हो तो हम भी सब कुछ भुला के बड़े दिल के साथ उसे कबूल कर रहे हैं। लेकिन समझा देना, आइंदा कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए हमें। मैं थक गया हूं, मैं आराम करूंगा। हालत तो अच्छी नहीं है वैसे इसकी। खैर जरा रेस्ट कर ले, रात में करती हूँ इससे बात। शुक्र है रफसाना, तुम्हारी परेशानी दूर हुई, बेटी इज्जत से अपने घर चली गई। हाँ खालदा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उसका कम है। मैं तो बहुत परेशान थी रिदा के लिए, इतनी दुआएं मांगी मैंने, उसका उदास चेहरा देखा नहीं जाता था। लेकिन जब खाला ने बताया कि वो उस्मान भाई के साथ वापस अपने घर चली गई है, तो मैं तो फौरन मुबारकबाद देने के लिए आ गई। बहुत शुक्रिया बेटा। आंटी इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे रिदा आपकी बहनों की तरह अजीज है। अल्लाह ताला हमेशा उसे सुखी रखे। आमीन। अनीक नहीं आया अभी तक काम से? हाँ हाँ अभी अभी आया है, अपने कमरे में। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो मैं बना कर। अरे नहीं आंटी, आप दोनों बातें करें ना, मैं चाय बना देती हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है। अच्छा ये बताओ, सादिया को क्यों नहीं लेकर आई? उसे भी लेती है आंटी। आएगी आएगी, वो भी जरूर आएगी। अरे आप मासूमा आए हैं, अंदर आए। ये क्या तकल्लुफ किया आपने, चाय ले आई हैं आप तो मेहमान हैं इस घर में। अरे नहीं, अच्छा लगता कि आंटी चाय बना रही होती है, मैं सोफे पे आराम से बैठी हुई होती। चाय मैंने ही बनाई है, आप पी के बताएं ना कैसी। हाँ जरूर। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सादिया आई? दिल तो चाह रहा है कि आपके चेहरे पे ये फैली हुई खुशी बरकरार रहे, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोल सकती। सादिया नहीं आई। मैंने उसे कहा भी था कि आज रिदा घर चली गई है और आंटी अकेली होंगी, लेकिन पता नहीं किन सोचों में गुम रहती है, साफ इनकार कर दिया उसने। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप जैसा इंसान ना खुश नसीबों को मिलता है। इसका मतलब है कि आपकी बहन जो है बहुत किस्मत वाली है। है तो, लेकिन जरा उसे एहसास हो या कदर हो इस बात की। लेकिन आप दिल छोटा मत करें, मैं हूं ना,
मैं उसे समझाऊंगी, मुझे उम्मीद है वो मेरी बात मान जाएगी। अल्लाह भला करे आपका, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा इंसान मिले। छोड़ें, मुझ जैसी बेघर यतीम लड़की को कौन मिल सकता है? क्यों ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम सब हैं ना आपके साथ। मैं आंटी के लिए चाय। शुक्रिया। फ्लाइट में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बाबा, मुझे तो फ्लाइट में बहुत मजा आया। और आपको पता है, मुझे ना चॉकलेट भी मिली थी। चॉकलेट्स, वाओ। बाबा, ये माय न्यू घर है। जी मेरी जान, ये आपका न्यू घर है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। आपको अपने टॉयज कैसे लगे? वो बहुत क्यूट है। तुम्हें ये घर कैसा लगा? बहुत प्यारा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं और शानजे आपके साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है उसने ये दिन दिखाया। आज तुम दोनों को यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। असर, आपने मुझसे हर किया हुआ वादा निभाया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें और शानजे को खुश रखना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि माजी में जो कुछ हुआ तुम्हें उससे दोबारा कभी गुजरना ना पड़े। हमेशा ढाल बनकर तुम्हारी और शानजे की हिफाजत करूंगा। मुझे भी तो दिखाओ डॉल। मामा को टॉयज तो दिखाओ। चलो ब्रिंग इट हियर, दिखाओ। ओह सो प्रिटी। मिस शाजमा, आप हॉस्पिटल जा रही हैं ना? आप आज सीधा घर जाइएगा। मेरा मतलब है, उस्मान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अच्छा, कब? मेरा मतलब उस्मान ने तो मुझे नहीं बताया। भूल गया होगा, भाभी से दोस्ती जो हो गई है। ये कैसे हो सकता है? बस देख लें, मियां बीवी का जो रिश्ता है वो बड़ा अजीब है। जिस शिद्दत से लड़ते हैं ना, उसी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। नहीं मुदस्सिर साहब, आपको कोई गलत इन्फॉर्म कर रहा है। उस्मान और उसकी मिसेस का झगड़ा कोई आम नौयत का नहीं है। उस्मान ने मुझे खुद बताया है, वो मुझे गलत क्यों कहेगा? भाभी बहुत अच्छी हैं, आप एक बार उनसे मिल लें, आपको भी वो बहुत अच्छी लगेंगी। मियां बीवी का जो रिश्ता है वो बड़ा अजीब है। जिस शिद्दत से लड़ते हैं ना, उसी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। अरे तुम यहाँ बैठी हो? वैसे ये ताज्जुब हासिल करने का सही तरीका है, कहीं जाके छुप के अकेले बैठ जाओ और सब ढूंढते रहे। क्या कर रही हो यहाँ? ये काम था। नहीं, काम तो मुझे कोई नहीं था, लेकिन इस वक्त यहाँ अकेले क्या हुआ? जरूर कोई प्लानिंग कर रही होगी, है ना? ऐसी कोई बात नहीं। बस अपने चेहरे पे इतनी मजलूमियत कैसे तारी कर लेती हो? ऐसे ही तो नहीं अनीक जैसा स्मार्ट बंदा तुम्हारे पीछे पागल, जरूर उसके सामने भी ये मासूमियत और मजलूमियत का ढोंग रचाया होगा तुमने। समझ गई हूँ मैं तुम्हें। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे सादिया, तुम तो बुरा ही मान ले, मैं तो मजाक कर रही थी यार। मान भी जाओ, ऐसा मैं थोड़ी समझती हूँ। वो तुम्हारे घर के सामने वाली दो बहनें रहती हैं ना जहाँ, वो कह रही थी। क्या कह रही थी? चल, किसी को बताना नहीं, ठीक है? और गुस्सा भी नहीं होना। वो कह रही थी कि अनीक इतना स्मार्ट है, हैंडसम है, उसे लड़कियों की कमी थोड़ी है। जरूर सादिया ने चक्कर चलाया होगा, लेकिन प्लीज तुम
तुम उनसे जाके झगड़ा नहीं कर लेना। अब जो सुनता है यही कहता है ना। अरे सादिया, कहाँ फंस गई हो? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा।